हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, सीए मोहित तापड़िया। और हमेशा से मैंने आपको कहा है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स मेरी जान है सर, राइट। और आज मैं वैसे ही आपके लिए वापस से एक मजेदार सा लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर स्पेसिफिकली 11th गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए रहेगा। ये लेक्चर स्पेसिफिकली 11th गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाएगा। हम लाइन टू लाइन सारा कंटेंट पढ़ेंगे। ये डिटेल्ड वीडियो है सर, ये फास्ट ट्रैक वीडियो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम हर चीज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जो लोग पहली पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिनको ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, सर ये वीडियो आपके लिए रहेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस आपको रिविजन करना है, तो उसके लिए मैं आपको वापस से एक वीडियो बना के लाके दूंगा, जहां पे मैं फास्ट ट्रैक रिविजन और बेसिक माइंड मैप टेक्निक्स के साथ मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर है सर। इकोनॉमिक्स में अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया तो क्या आया आपको, राइट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स 11th गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 3, एंड दैट इज ऑल अबाउट डिमांड। आपको सिर्फ यही बैठा रहना है, आपकी पूरी टेक्स्ट बुक आपके सामने रहेगी, आपको और किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर आपको रनिंग नोट्स बनाने की आदत है, तो सर बाजू में नोटबुक लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, जो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो सुनने में मजा आ रहा है, जो चीजें आपको आपके क्वेश्चन को, आपके बुक को, आपके चैप्टर को याद रखने में, मेहनत करने में काम आएगी, वो आप कॉपी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे बेसिक। काम के साथ में आज का हमारा बेसिक काम रहने वाला है, एंड दैट इज ऑल अबाउट डिमांड, ठीक है भैया। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, आज हम पढ़ने वाले डिमांड के बारे में। डिमांड के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम एक जनरल आइडिया लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। मैंने पूरी टेक्स्ट बुक यहाँ रखी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सुनते रहो खाली पीसफुली, ठीक है। सो अभी डिमांड बेसिकली होता क्या है। डिमांड एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को डिमांड कहलाने के लिए उनमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देयर मस्ट बी अ विलिंगनेस। अगर विलिंगनेस है मतलब इच्छा है, तो वो डिमांड होने का एक पहला जरिया बन गया, एक पहला कंपोनेंट बन गया कि यस डिमांड हो सकती है। विलिंगनेस के साथ साथ आपके पास भैया पैसा भी होना जरूरी है, तो उसके लिए होता है परचेजिंग पावर। क्या आपके पास परचेजिंग पावर है फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर आपके पास परचेजिंग पावर है, तो आपका दूसरा कंपोनेंट पूरा हो जाता है। और तीसरा होता है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अगर ये तीन चीजें हैं, तो आप कह सकते हैं कि भैया डिमांड है, आप कह सकते हैं कि हाँ डिमांड है। और अगर ये तीन में से एक भी कंपोनेंट मिसिंग है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड को डिमांड नहीं कहा जा सकता। मार्केट में डिमांड रेज नहीं हो सकती है। डिमांड रेज होने के लिए आपके लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला विलिंगनेस, दूसरा परचेजिंग पावर, एंड तीसरा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इनमें से कुछ भी एक मिसिंग होगा, डिमांड क्रिएट होगी ही नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे जैगवार कार बहुत 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 पसंद है, ठीक है भैया। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं जैगवार की डिमांड क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेट अस स्टार्ट। पहला विलिंगनेस, यस भैया आई एम वेरी विलिंग टू बाई जैगवार कार, तो पहला कंपोनेंट है। दूसरा परचेजिंग पावर, पैसा बहुत है यार, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है। दूसरा कंपोनेंट भी सेटिस्फाई हो गया। बट तीसरा कंपोनेंट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, अभी ये क्या टाइम बराबर नहीं है, ये वो मड़ मास का महीना है, इस टाइम पे हम लोग नई चीजें नहीं खरीदते। वी आर मारवाड़ीज, वी डोंट बाय दीस पर्टिकुलर न्यू कमोडिटीज इन दिस पर्टिकुलर मंथ, हम नहीं खरीदते, ठीक है। सो इसलिए टाइम एंड प्लेस प्रॉपर नहीं है। जब टाइम एंड प्लेस प्रॉपर नहीं होगा, तो सर उसे डिमांड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आई कांट गो एंड बाय अ जगुआर कार। देखो एक चीज मिसिंग हुई, डिमांड क्रिएट नहीं हुआ, वाइस वर्सा। टाइम एंड प्लेस प्रॉपर है, पैसा भी खूब है, बट मुझे जगुआर कार ही नहीं पसंद है, तो क्या डिमांड क्रिएट होगी, नहीं होगी। वाइस वर्सा, मुझे जगुआर पसंद है, टाइम एंड प्लेस भी प्रॉपर है, बट सर पैसा ही नहीं है, तो क्या डिमांड क्रिएट होगी, नहीं होगी। सो डिमांड क्रिएट होने के लिए आपको तीनों कंपोनेंट का होना जरूरी है। दैट इज आपके पास विलिंगनेस भी होना चाहिए, आपके पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, और आपके पास प्रॉपर टाइम एंड प्लेस भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें रहेगी, तो यस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो गई है, ठीक है बच्चा। सो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि डिमांड क्रिएट होने के लिए हमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हमारे टेक्सुअल कंटेंट के साथ में। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं डिमांड के बारे में, डिमांड क्या क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह हम आज हमारे लेक्चर में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिमांड बेसिकली किसे कहा जाएगा। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ बायर इज डिजायर, दैट इज पहला मैंने कहा था विलिंगनेस, इज एबल
मतलब मैंने कहा था उसके पास पैसा होना चाहिए, एंड एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम, प्राइस और टाइम भी आपको परफेक्ट लगता है, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें होगी तो ही डिमांड क्रिएट होगा, वरना डिमांड क्रिएट होने वाला नहीं है। सो डिमांड के लिए सबसे पहला चाहिए डिजायर, दूसरा चाहिए परचेजिंग पावर, तीसरा टाइम, प्लेस एंड प्राइस, तीनों परफेक्ट होना चाहिए तो ही हम डिमांड क्रिएट करेंगे, वरना हम डिमांड क्रिएट करने वाले नहीं है, ठीक है बच्चा। सो डिमांड के लिए तीन बेसिक कंपोनेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये सबसे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग डिमांड। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा, सबसे पहला फैक्टर रहने वाला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हम सबको पता है भैया, प्राइस का बहुत 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 लंबा इंपैक्ट होता है डिमांड के ऊपर। अगर किसी पर्टिकुलर चीज की प्राइस ज्यादा है तो भैया हम अभी डिमांड नहीं करेंगे, बट वाइसा वर्सा उस चीज में सेल लग गया 50% ऑफ, राइट। सो जैसे उसकी प्राइस कम हो जाती है सर, हम वहां पे जाके लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि सर कमोडिटी सस्ती हो गई है। तो सबसे पहला फैक्टर हमेशा रहेगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एज एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, वाइसा वर्सा अगर प्राइस गिर गई तो सर डिमांड बढ़ जाती है, याद रहेगा। सो ये सबसे पहला फैक्टर हो गया, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और गुड्स और सर्विसेज। इसके बाद में और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको हमने अदर डिटरमिनेंट्स के कैटेगरी में डाल के रखा है। सो प्राइस के सिवाय सबसे मेन फैक्टर प्राइस हमेशा रहेगा, उसके सिवाय बाकी फैक्टर्स की कहानी चालू करते हैं। नेक्स्ट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सर जहां पे टेस्ट और प्रेफरेंस की बारी आती है ना, वहां पे बाकी सारी कहानियां बंद हो जाती है सर। अगर आपको किसी चीज का टेस्ट पसंद है तो आप आगे पीछे कुछ नहीं देखोगे, आप उस चीज को 100% कंज्यूम करोगे ही करोगे, और अगर आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद है तो उसको आप कंज्यूम नहीं करोगे। तो सर जहां टेस्ट बढ़ जाता है, आपका टेस्ट ज्यादा अच्छा है वहां का, तो वहां की डिमांड भी ज्यादा होगी, और जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कम है उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम होती है। सो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर बेसिकली लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर। ये ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स को, आपके डिमांड क्रिएशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका सेकेंड वन, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सर मुझे आज भी पता है, मेरा घर और मेरी कॉलेज 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी, राइट। मैं जहां रहता था और जहां मेरी कॉलेज थी, इट वॉज 15 किलोमीटर्स। हमारी कॉलेज के बाहर एक लॉरी थी, वड़ा पाव बना के बेचता था, एंड तो वड़ा पाव वे सुपर सुपर टेस्टी थे। वी स्टिल रिमेम्बर एवरी संडे, कॉलेज बंद है भैया, कॉलेज की छुट्टी है, तो भी हम घर से 15 किलोमीटर ट्रैवल करके 10 रुपए का वड़ा पाव खाने के लिए आते थे, बिकॉज सर उसका टेस्ट हमें पसंद आ गया, उसका टेस्ट हमें जोरदार लग गया। तो जहां टेस्ट की बात आती है वहां बाकी कुछ चीजें काम नहीं आते, डिमांड रॉकेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेकेंड वन, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड माय फैमिली कंडीशंस वर नॉट गुड, राइट। आवर फैमिली इनकम वाज नॉट एट ऑल गुड, हमारी बहुत कम फैमिली इनकम थी, तो हमने हमारा पूरा 12th स्टैंडर्ड 2 जोड़ी कपड़ों में निकाल दिया, ठीक है। हमने कुछ ही कपड़े नहीं खरीदे बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, बट जब हम आगे बढ़े, हमने पढ़ाई की, हमने CA कंप्लीट किया, अब हमारे पास पैसे आने लग गए हैं तो हम ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। सो जहां इनकम ज्यादा होगी वहां डिमांड ज्यादा होगी, जहां इनकम कम होगी वहां डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम होगी। सो मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी, वाइसा वर्सा अगर आपकी इनकम कम है तो सर आपका डिमांड भी कम होना है, राइट। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसके अंदर हम बोल सकते हैं दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन रहता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम गिरेगी तो डिमांड भी गिरेगी। सेम वे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी डायरेक्ट रिलेशन ही था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। भैया रिलेटेड में 2 गुड्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स के, 2 रहेंगे। पहला रहेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा रहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो दोनों अपोजिट रहेंगे, राइट। जहां पे एक गुड्स की डिमांड होगी तो दूसरे की नहीं होगी, दूसरे की होगी तो पहले, इन शॉर्ट जिसको हम एक के अगेंस्ट दूसरे को यूज करते हैं, हम दोनों को साथ में कभी यूज नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। आपके घर पे मेहमान आते हैं, मेहमान को आप घर पे वेलकम करते हो, फिर आप क्या पूछोगे, नमस्ते अंकल जी क्या लेंगे, चाय या कॉफी, राइट। कभी भी मेहमान ये बोलता है बेटा दोनों लेके आ जाओ, नहीं,
चाय या कॉफी मीन्स वी हैव गिवन यू एन ऑप्शन, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन, दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दैट इज दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हमें बहुत 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 इंपैक्ट क्रिएट करेगा हमारी मेन कमोडिटी पे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आई एम अ बिजनेसमैन और मैं चाय का व्यापार करता हूँ, टी का व्यापार करता हूँ, आई सेल टी, राइट। अब अगर बाई चांस मार्केट में कॉफी महंगी हो गई तो मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? आप सोचिए, मैं टी का व्यापारी हूँ, राइट, आई डील विद टी, ओके। अब अगर बाय चांस मार्केट में कॉफी महंगी हो गई तो सर मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉमन सेंस कहता है अगर कॉफी महंगी हो गई तो कॉफी पीने वाले सारे के सारे लोग कॉफी छोड़ के चाय पीने आ जाएंगे और मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। वैसा वर्षा, वैसा वर्षा अगर कॉफी सस्ती हो गई तो क्या होगा? तो लोगों को लगेगा यार चाय तो बहुत महंगी है, इतना महंगा कौन पिएगा, छोड़ने जाके कॉफी पीते हैं, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपके लिए लिखूंगा यहाँ पे दैट व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ टी इंक्रीजेस। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड बढ़ेगी, वाइसा वर्सा। व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस डिमांड फॉर टी डिक्रीजेस, क्योंकि हर आदमी कॉफी पीने चला जाएगा, चाय पीने वाले भी कॉफी पिएंगे क्योंकि भैया कॉफी बहुत सस्ती हो गई है। सो इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कहा जाएगा इसे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स विच गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ साथ चलेंगे। अगर आपने एक की डिमांड रेस की, आपको दूसरे की भी डिमांड रेस करनी ही पड़ेगी, उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। जैसे कि ब्रेड बटर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि चाय बिस्किट कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि कार पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री, तो दीज आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब एक सिंपल सी बात है भैया, अगर आपने कार खरीदी तो आपको पेट्रोल भी खरीदना ही पड़ेगा। सो इन शॉर्ट इन गुड्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकी प्राइस एक दूसरे की प्राइसेस पे इफेक्ट करती है, इन दोनों की प्राइसेस एक दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज पेट्रोल सस्ता हो गया, सपोज करते पेट्रोल 50 रुपए का हो गया, तो सर क्या होगा? कार की डिमांड रॉकेट हो जाएगी, सर कार की डिमांड खूब बढ़ जाएगी। सो अगर हम मानते हैं दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस देन डिमांड ऑफ कार इंक्रीजेस एंड वाइसा वर्जा, अगर पेट्रोल की प्राइसेस 100 रुपए हो गई जो अभी हो रखी है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर कार विल डिक्रीज। हम अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने भागेंगे, भैया पेट्रोल डीजल नहीं पोसा था, 100 रुपए का कौन भरेगा? सो जैसे पेट्रोल महंगा हो जाता है, कार की डिमांड कम हो जाती है, और पेट्रोल सस्ता होते ही सारी ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है बच्चा, सो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहा जाएगा इन्हें? इन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप दिस इज सिंपल, आई होप दिस इज इजी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ये आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लोग भी अपने मम्मी के साथ में कभी शॉपिंग पे जाते हो तो आपको ये ऑब्जर्व करने का मौका 100% मिला होगा। मैं आपको मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मैं मेरी मॉम के साथ जब भी किसी किराने की दुकान पे जाता हूँ, तो मेरी मम्मी और वो किराने वाले का पता नहीं क्या होता है, किराने वाले समझते हैं कि भैया ये हमारे पास मैडम रोज आती है, तो वो आपको बहुत पर्सनल टच देते हैं कि हाँ भाभी जी आ गए, आप भाभी जी कैसे आप, ऐसे लाइक दैट, राइट। और मेरी मम्मी भी उसकी एक्सपर्ट एडवाइजेस को बहुत सीरियसली लेती है। सो जैसे मम्मी एक दुकानदार के पास गई, बोला भैया एक तेल का डब्बा दे दो 5 लीटर वाला। तो दुकानदार ने तेल का डब्बा देने से पहले पूछा, बोले भाभी जी 5 लीटर का तेल का डब्बा? बोला हाँ। तो बोले क्या भाव चल रहा है? मम्मी ने पूछा दुकानदार को, तो उसने बोला अभी 1000 रुपए। मम्मी ने बोला ये तो बहुत महंगा हो गया यार, 1000 रुपए का कोई तेल होता है? बहुत ज्यादा महंगा है। तो दुकानदार ने धीरे से बोला, भाभी जी ले लो जितना लेना हो, ये पुराना माल है इसलिए इस भाव दे रहा हूँ, अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ जाएगी। माय मॉम इज लाइक क्या बात करते हो? बोला हाँ भाभी जी, आगे से माल नहीं आ रहा है, अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ने वाली है। सो अभी सिचुएशन में मेरी मम्मी क्या करेगी? मेरी मम्मी सोचेगी यार अगले हफ्ते तो मेहमान आ रहे हैं, सामने दिवाली आ रही है, बहुत सारा काम होगा तेल का। तो सो मेरी मम्मी बोलेगी एक काम करो भैया 2 डब्बे दे दो, जहां हम 5 लीटर का एक डब्बा लेने आए थे वहां हम 2 डब्बे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाली है, हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाली है। वैसा वर्षा मम्मी ने बोला 5 लीटर का डब्बा दो, दुकानदार धीरे से बोलेगा भाभी जी 5 लीटर का क्या करोगे? बोला ऐसे ही पड़ा रहेगा, काम आएगा। भाभी जी अभी बहुत महंगा है, अभी 1300 रुपए का है तेल, माल नहीं आ रहा, आगे से 15-20 दिन रुक जाओ सस्ता हो जाएगा। मम्मी बोलेगी अच्छा ऐसा है, तो एक काम कर अभी 1 लीटर वाली थैली दे दे, नहीं चाहिए डब्बा। सो इन शॉर्ट अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस गिरने वाले हैं तो हम अभी अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। तो याद रखिएगा सर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस
बढ़ने वाले हैं तो आप डिमांड करंट में बढ़ा देते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस गिरने वाले हैं, आप करंट डिमांड को कम कर देते हो, याद रहेगा भैया सबको। सो इसे कहा जाएगा एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी से हम बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग, हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, राइट। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी उस पर डिपेंड करेगी, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है सर। जहां आबादी ज्यादा होगी वहां डिमांड ज्यादा होगी, और जहां आबादी कम होगी वहां डिमांड कम होगी। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर साइज ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा रहेगी, और साइज कम है तो पॉपुलेशन कि अगर पॉपुलेशन की साइज कम है तो डिमांड भी कम रहेगी। कंपोजिशन से भी फर्क पड़ेगा, डेमोग्राफिक सिचुएशन से भी फर्क पड़ेगा। अगर आपकी आबादी में बच्चे ज्यादा है तो भैया बच्चे वाली कमोडिटी ज्यादा बिकेगी, विमेन्स ज्यादा है तो औरतों वाली कमोडिटी ज्यादा बिकेगी, बूढ़े ज्यादा है तो भैया धोती कुर्ते वगैरह ज्यादा बिकेंगे, राइट। सो आपको ये समझ लेना है कि आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी आपकी कमोडिटी की डिमांड पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। चलिए, सो ये हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मैंने कहा था बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 100% पूछेंगे। नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन, ये लल्लू टॉपिक है। डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, जो आपने ऊपर डिटरमिनेंट्स पढ़े देना सबको नीचे लिख दो, कुछ नहीं करना है आपको, बस लिखने का तरीका खाली इंप्रूव कर देना है। आपको इसको फंक्शनल फॉर्मेट में लिखना है, मतलब आप ऐसे लिखोगे डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ फलाना 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 फलाना, इसमें सब कुछ आ जाएगा जो आपने ऊपर पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था आपने ऊपर? आपने पढ़ा था प्राइस, राइट, फिर आपने पढ़ा था रिलेटेड गुड्स की प्राइस, फिर आपने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन, आपने पढ़ा था टेस्ट, आपने पढ़ा था कंज्यूमर्स इनकम, आपने पढ़ा था बाकी छोटे मोटे और भी फैक्टर्स। इन सब के इनिशियल्स आपको लिखने हैं। प्राइस को हम लिखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, रिलेटेड कमोडिटी को हम लिखेंगे प्राइस ऑफ वाई, एक्सपेक्टेशंस को हम लिखेंगे प्राइस पीई, टेस्ट को हम लिखेंगे टी, इनकम को हम लिखेंगे वाई, और अदर फैक्टर्स को हम लिखेंगे यू। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम चाहे तो अपने हिसाब से क्या ये इनिशियल चेंज कर सकते हैं? कर सकते हो, बट मत कर। क्यों? क्योंकि इनकम को हमेशा से इकोनॉमिक्स में कैपिटल वाई से ही डिनोट किया जाता है। ये आपको नहीं पता होगा, बिना मतलब क्रिएटिविटी करने जाओगे गलत कर दोगे यार। इससे बेटर है मत करो, जैसा है वैसा ही रहने दो। इतना सा सिंपल सी चीज, इतना हम याद कर सकते हैं, राइट। सो डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, आपने जो ऊपर डिटरमिनेंट्स पढ़े हैं उन डिटरमिनेंट्स को आपको फंक्शनल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क में आएगा खाली इतना लिख के छोड़ देना चलेगा, पर अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क का आएगा आपको नीचे वाला भी सारा डिटेल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। सो प्लीज मेक श्योर आप एग्जाम में इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, 1 मार्क में पूछने के चांसेस है। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत 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 अच्छा लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जिसको कहा जाता है सेटिरस पेरिबस, ठीक है, लैटिन में कहा जाएगा इसे सेटिरस पेरिबस। अगर बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हो और खाली प्राइस चेंज हो रही है तो लॉ ऑफ डिमांड आपके लिए काम आएगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। सो लॉ ऑफ डिमांड को वर्क करने के लिए आपको बाकी सारे डिटरमिनेंट्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और ये डिटरमिनेंट्स अगर सब कांस्टेंट हो गए तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है एज एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, याद रहेगा बच्चा। सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है एज एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड। सो प्लीज ध्यान रखिएगा व्हेन अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे एंड खाली प्राइस चेंज होगा। सो ऐसा होगा इफ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल इट्स डिमांड एक्सपेंड एंड इफ प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगा, उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन रहता है। क्या रहता है सर? इनवर्स रिलेशन रहेगा, दोनों में हमेशा इनवर्स अपोजिट अपोजिट रिलेशन रहने वाला है, याद रहेगा बच्चा लोग, सबको श्योर है, सबको याद रहना चाहिए कंफर्म तरीके से। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट है अजम्पशंस। मैंने कहा था सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दो, जो आपने ऊपर डिटरमिनेंट्स पढ़े थे ना सबको कांस्टेंट कर दो। क्या क्या पढ़ा था आपने? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेंस अनचेंज्ड, इनकम अनचेंज्ड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अनचेंज्ड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अनचेंज्ड, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अनचेंज्ड, मतलब कि सेम। आपको सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देना है, वही आपके अजम्पशंस हो जाते हैं। ये खाली पन्ने भर भर के लिख रहे हैं, नॉनसेंस एकदम, इसमें इतना लर्न करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको डिटरमिनेंट्स याद है तो आपको डिमांड फंक्शन याद है, अगर आपको डिटरमिनेंट्स याद है तो आपको अजम्पशंस भी याद है, मतलब एक डिटरमिनेंट्स आपको 3 क्वेश्चंस याद करवा सकता है। सो डिटरमिनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
चलिए, सो अब हम फिनिश करेंगे हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड का स्केड्यूल और हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। ये स्केड्यूल और कर्व आपके इस स्केड्यूल और कर्व के नीचे दिए हुए एक्सप्लेनेशन को पूरा समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप खाली स्केड्यूल और कर्व पे ध्यान दीजिएगा। अब ये डिमांड स्केड्यूल कहता क्या है, डिमांड स्केड्यूल बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि देखो भैया जब जब प्राइस गिर रही है तब तब डिमांड बढ़ रही है। दिख रहा है भैया आपको, प्राइस गिर रही है डिमांड बढ़ रही है। जब प्राइस 50 रुपए थी हमारा डिमांड सिर्फ 1 लीटर था, जैसे प्राइस 40 हो गई भैया हमने डिमांड 2 लीटर कर दिया, प्राइस 30 हो गए हमने डिमांड 3 लीटर कर दिया, प्राइस 20 होते हमने डिमांड को 4 लीटर कर दिया। इन शॉर्ट एज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, और इसी चीज को आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दिया है कि जब हमारी प्राइस 50 है हमारी डिमांड सिर्फ 1 यूनिट है, सर जैसे ही प्राइस 40 हो गई हमारी डिमांड हो गई 2 यूनिट, जैसे ही प्राइस 30 हो गई हमारी डिमांड हो गई 3 यूनिट, जैसे ही प्राइस 20 हो गई हमारी डिमांड हो गई 4 यूनिट, और जैसे ही प्राइस 10 हो गई सर हमारी डिमांड हो जाती है 5 यूनिट। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने हमारे स्केड्यूल को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दिया और हमने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ कर्व। क्या एक्सप्लेनेशन दिया हमने कि जब जब प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, हमने ग्राफ में भी आपको बता दिया है, और उसके कारण हमारा जो कर्व बनता है ये एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनेगा। ये एक नेगेटिव स्लोपिंग मतलब कि नीचे गिरता हुआ कर्व बनने वाला है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया आपको उसी चीज को नीचे अंग्रेजी में इंग्लिश में डिटेल में लिखना है। सो आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आपका खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आई एम वेरी वेरी श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे है तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर में आपको जोर पड़ने वाला नहीं है, दिस इज अ वेरी 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 इजी चैप्टर। ठीक है बच्चा, सो आज हम हमारे टॉपिक को यहाँ फिनिश करेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं यही पर्टिकुलर टॉपिक को अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रीजंस, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, और भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रेसिडुअल टॉपिक भी हम इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर को मैंने दो वीडियो में डिवाइड किया, ठीक है बेटा। तो ये आपका पहला वीडियो हो गया, अगर आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर सुन लिया है पढ़ लिया है तो अगले वीडियो पे आ जाइए जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाकी के चैप्टर्स के कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चा, सो उसके साथ साथ आज के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।